अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस बनाना, यानी कि वाइट कलर बनाना। और अब आपको इसके लिए आपके पास क्यूब होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बाद अगर आपके पास क्यूब है तो आप जल्दी सीख सकते हैं। वीडियो आराम से देखिए, कहीं भी कुछ दिक्कत आए थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके देख लीजिए। तो मिडल क्रॉस लेयर बनाने के लिए हमें हर किसी के साथ मिडल ब्लॉक चाहिए, मतलब वाइट के साथ मिडल ब्लॉक चाहिए। तो जैसे कि ये मिडल ब्लॉक है ब्लू कलर का और ये हमारा राइट साइड पे है, तो इसको एक बार ऊपर लेके आएंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब जैसे कि ये हमें अपर दिख रहा है, लेकिन ये मिडल ब्लॉक है, लेकिन ये इस साइड पे नहीं है, तो इसको कैसे लेके आए? तो हम ये फ्रंट फेस को या तो राइट साइड घुमा दो या फिर लेफ्ट साइड घुमा दो, तो यही वाला स्टेप आ जाएगा जो हमने इस साइड पे किया था। राइट साइड पे था तो उसको ऊपर ले गए थे। अब अगर हम इसको राइट साइड पे घुमा लेते हैं तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा, और अगर सेम इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे घुमा लेते हैं तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा, अगर हम ढूंढते हैं कि कोई अगर ये जैसे कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे बन गया, और अगर हम फिर से ढूंढते हैं कोई लास्ट वाला ढूंढते हैं, जैसे कि वो नीचे है बॉटम नहीं, इसको डाउन लेयर कहते हैं, डाउन लेयर है जो कि नीचे है। अब इसको हम अगर हम ऐसे घुमा देते हैं पूरा का पूरा, यानी कि पूरा एक रोटेशन दे देते हैं 180 डिग्री पे, तो ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर बना हुआ था वो नीचे चला जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करके एक बार ऐसे ऊपर को घुमा देते हैं, यानी कि अगर हम इसको एक बार राइट घुमा के जहाँ पर खाली जगह थी और कुछ हमारा बिगड़े भी ना, अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो एक बार अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं ऊपर को पूरा 180 डिग्री, तो ये ऊपर को आ जाएगा। अब हमने कितने तरीके सीखे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर हमारा कोई मिडल वाला राइट साइड पे है और अगर हम इसको ऊपर को एक बार घुमा देते हैं तो वो जाके अटैच हो जाता है, और अगर हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में है और अगर हम इसको लेफ्ट में ला के एक बार ऊपर को घुमा देते हैं, अगर हम इसको राइट में भी ले जाके एक बार ऊपर को घुमा देंगे तो वो अटैच हो जाएगा, लेकिन वो उसका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको हम लेफ्ट पे ले जाके ऊपर को घुमा देंगे तो ये बन जाएगा। तीसरा, अगर हमारा नीचे को है, बिल्कुल नीचे को, तो हम इसको दो बार ऊपर घुमाएंगे तो हमारा क्रॉस बन जाएगा। मैं आपको अब फिर से बताऊंगा, हम फिर से क्रॉस बनाएंगे जो अब तक हमने सीखा है, ठीक है। अब हम मिडल ब्लॉक ढूंढेंगे वाइट के साथ। जैसे कि अब हमें दिख रहा है फ्रंट फेस पे ये मिडल ब्लॉक है, इसके लिए हमने क्या कहा था कि जब ये अपोजिट में हो तो या तो हमें लेफ्ट को घुमाना है या राइट को घुमाना है, तो घुमाओ और लगा दो, सोचना नहीं है। अब हम एक और ढूंढते हैं, जैसे कि ये वाला ब्लॉक है। अब ये वाले ब्लॉक को हम अगर राइट पे लेके जाते हैं तो ये बन गया, यहाँ पर बन जाएगा ना, और अगर हम इसको लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो ये वाला बना हुआ है पहले से, तो ये भी कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको राइट पे ले जाके ऐसे बना लेते हैं, और खुशखबरी की बात यह है कि इसके साथ भाईचारा के साथ ये अपने आप खुद लग गया, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बच गई। तो जब अपने आप लग रहा हो तो लग जाए तो अच्छी बात है। अब हम ढूंढेंगे आखिरी, जो कि इसका नीचे है, ठीक है। अगर हम इसको राइट पे ले जाएंगे तो हमारा ऊपर वाला बिगड़ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको राइट पे ले जाएंगे तो हमारा ऊपर वाला बिगड़ जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर था, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको एक बार ऐसे घुमा देंगे तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं नहीं। अब हमारा ये वाला नहीं बिगड़ा, तो हमने क्या किया, वापस लेके आता हूँ मैं एक बार, जो हमारा बिगड़ रहा था इसको ऊपर या राइट पे ले जाने पे या लेफ्ट पे ले जाने पे, अगर हम उसको नहीं बिगाड़ना तो हम इसको ये फ्रंट लेयर से हटा देते हैं ताकि हमारी फ्रंट लेयर फ्री हो जाए। अगर हमारी फ्रंट लेयर फ्री हो जाएगी तो हमारा ऊपर वाला नहीं बिगड़ेगा। अब आप कहोगे कि हम इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, अब ऊपर ले जाने के लिए हमें राइट वाली लेयर को खाली करना पड़ेगा। अब राइट वाली लेयर को खाली कैसे करें? अपर को एक बार ऐसे घुमा के ये लेयर खाली हो गई और ये हमारा बिगड़ा नहीं, और इसको हमने एक बार ही ऊपर ले लिया। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस आप हमारी बातों को ढंग से सुनिए और एक बार हमारे क्यूब को ढंग से देखिए, चाहे आपको स्लो स्पीड में देखना पड़े।
अब हमारा क्रॉस तो बन गया है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आप ये देखोगे कि ये हर चारों कलरों के साथ सेम सेंटर वैल्यू कनेक्टेड है। सेंटर वैल्यू मतलब ये वाला जो ब्लॉक है जो वाइट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों कलर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों कलर कनेक्टेड है। अब हम सिखाएंगे अदला बदली, यानी कि स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे करते हैं? स्वैपिंग करना सबसे ईजी है। एक बार आप क्रॉस बनाना सीख जाओ तो स्वैपिंग करना बहुत ईजी है। सबसे पहले जो भी आपका बिगड़ा हुआ है, जो भी कलर आपका बिगड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ दोनों ये वाला बिगड़ा हुआ है, उसको आप देखो ध्यान से, ये वाला बिगड़ा हुआ है और ये वाला बिगड़ा हुआ है एक। और जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। वीडियो देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन आपको तब भी एक बार खुद घुमा के देखना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको जो स्टेप सिखा रहा हूँ उसमें आपको ये पूरा घुमाना पड़ेगा 180 डिग्री पे। अब ये मैंने 180 डिग्री पे क्यों घुमाया है? ताकि मैं ये वाला रेड कलर इस वाले रेड कलर से कनेक्ट कर सकूँ। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला रेड कलर इस वाले रेड कलर से कैसे कनेक्ट होगा? अगर ये यहाँ पर ही रहता तो अगर ऐसे कनेक्ट हो जाता, लेकिन जो बाकी हमारे सारे कनेक्टेड थे वो सारे बिगड़ जाते, जो कि हमें नहीं करना था। तो ये वाला रेड कलर को इस वाले रेड कलर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये वाला पूरा हिस्सा नीचे को घुमाना है, पूरा 180 डिग्री पे राइट को घुमा देना है, जो कि हमारी राइट थी इस टाइम पे। तो अगर अब आप कैसे कनेक्ट करोगे, जैसे ऊपर से इसको ऐसे कर रहे थे ऐसे ही सेम नीचे से इसको ऐसे कर देंगे। आप कहोगे कि यहाँ तो रेड रहा नहीं और ना ही यहाँ पर वाइट रहा, तो इसको ऊपर ले जाके तो वाइट आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो वाइट आ गया ना। तो अब हम इसको जब हम ऐसे रेड को ऐसे घुमा के यहाँ पर वाइट आ गया, तो हमने आपको एक स्टेप सिखाया था जब नीचे हो तो 180 डिग्री पे ऊपर घुमा के हमारा वाइट आ जाता है। तो अब जो हमारा ब्लू था करेंटली वहाँ पर, वो चला गया नीचे 180 डिग्री घुमाने पे, और जो हमारा रेड था वो आ गया ऊपर विद सेम कलर कनेक्टेड। और अब हमारा ये वाइट ब्लू के साथ जो कि नीचे है, ठीक है। और अब हमारे को इस ब्लू को कनेक्ट करना है ताकि ये हमारी इस वाली लेयर में है जो कि राइट पे हमारा है, और ये हमारा क्रॉस भी बन जाए। तो अगर हमने इसको ऐसे कर दिया जैसे रेड को ऐसे लाए थे, वैसे ये ब्लू को अगर हमने इस साइड पे घुमा दिया और अगर हम इस साइड को ऊपर ले गए तो ये हमारा क्रॉस बन गया। अब ये चेक करते हैं कि सारे कलर कनेक्टेड है या नहीं। ब्लू कनेक्टेड है, रेड कनेक्टेड है, ग्रीन कनेक्टेड है, ऑरेंज कनेक्टेड है। सो आप देख सकते हो सेम। तो ये था हमारा क्रॉस। कहीं पे भी आपको दिक्कत आए पीछे जाके वीडियो देखिए, सारे स्टेप्स हमने आपको बता दिए। पूरा अपना ट्राई कीजिए, अपने आप 2-3 बार क्रॉस बनाइए, और गारंटीड मैं कह सकता हूँ कि ये इतना स्टेप मुश्किल नहीं है जो आगे आने वाले हैं। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि ये चार कॉर्नर्स हमें बनाने हैं, क्योंकि क्रॉस तो हमारा बन गया, अब ये वाले चार कॉर्नर्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अगले स्टेप में।